तकरीब नमाज या अली अल मदद की सदा बुलंद कर रहा है, परेशानियों और मुश्किलात में अल्लाह ताला से लो लगाने के बजाय की, क्योंकि जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था और ये फरमाया था लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू मालूम ये हुआ कि अगर एक इंसान एक तरफ पंज वक्ता नमाज का पाबंद, रोजे का पाबंद, ज़कात का पाबंद, हज बैतुल्लाह का पाबंद, नफली इबादतों का पाबंद, लेकिन अगर दूसरी तरफ वो कब्रों पर जाकर के कब्रों का तवाफ कर रहा है, कब्रों पर जाकर के नजर नियाज पेश कर रहा है, कब्रों और मजारों और खानकाहों को जाकर के उनकी फरियाद रसी कर रहा है, इस्तगाथा कर रहा है, या गौस अल मदद या ख्वाजा गरीब नवाज या अली अल मदद की सदा बुलंद कर रहा है, परेशानियों और मुश्किलात में अल्लाह ताला से लो लगाने के बजाय उन कब्र वालों को पुकारता है और उनकी दहाई देता है या अली अल मदद या गौस अल मदद या ख्वाजा गरीब नवाज, या एक इंसान जिसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बीमार है, अपनी बीमारी से शिफायाबी के लिए वो उन मजारों पर जाता है और उनसे ये तमाम चीजें तलब करता है। मेरे दोस्तों, ये शिर्क अकबर है, ये सबसे बड़ा शिर्क है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल अल इशराक बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम से फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह न बतलाऊं? सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन फरमाते हैं हाँ, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर हमें बतलाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। ज़ना करना भी गुनाह, चोरी करना भी गुनाह, गीबत करना भी गुनाह, झूठ बोलना भी गुनाह, जुल्म करना भी गुनाह, लेकिन इन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला के साथ शिर्क करना। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम शिर्क से बचें और मजारों और खानकाहों पर ना जाएं, इसलिए कि मजार और खानकाह वाले जो हैं ये खुद हमारी दुआओं के मुहताज हैं। वो वमा यशुरून अय्यान युबअथून, उन लोगों को ये भी पता नहीं कि ये लोग कब्र से कब उठाए जाएंगे। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों की जियारत का हुक्म दिया ताकि हम वहां जा करके उन कब्र वालों के लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ करें, ना कि हम उनसे फरियाद तलब करें और हम उनसे अब दुआ तलब करें। और अगर ये चीज जायज होती कि कब्रों पर जाकर के मजारों पर जाकर से उनसे फरियाद उसी तलब की जाए, तो सहाबे कराम होते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, लेकिन अल्लाह के रसूल की कब्र पर जाकर के उन्होंने अल्लाह के रसूल से फरियाद नहीं तलब की, क्योंकि जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था और ये फरमाया था लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद अल्लाहुम्म ला तजअल क़ब्री वतनन युबद। अल्लाह तबारक तआला की यहूद और नसारा पर लानत हो कि उन्होंने अपने नबियों और अपने नेक लोगों के मरने के बाद उनकी खबरों को सजदागाह बना लिया। ऐ अल्लाह ताला, तो ऐसा ना हो कि मेरी कब्र को मेरे कब्र मरने के बाद सजदागाह बनाया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम शिर्क जैसे बड़े गुनाह से बचें, अपने आप को मोहित बनाएं, गमी और परेशानी, खुशी और आसानी हर हाल में अल्लाह ताला से लो लगाएं। अल्लाह तबारक ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।